पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संगठन के बैनर तले प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन प्राधिकरण उपाध्यक्ष को सौंपा गया, जिसमें वेतन वृद्धि की मांग उठाई गई। ज्ञापन प्राप्त कर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा सभी को भरोसा दिलाया गया कि कर्मचारी प्राधिकरण के हित में पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं तो सभी को खुश करने का काम किया जाएगा। प्राधिकरण संयुक्त कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजय कुमार सत्संगी और महामंत्री विजय दुबे के नेतृत्व में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने गुरुवार को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि प्राधिकरण का प्रत्येक कर्मचारी प्राधिकरण का परिवार है और इस परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सभी का दायित्व भी है। जरूरी है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, सभी लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ इस मुहिम में जुट जाएं और प्राधिकरण के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। प्राधिकरण का मुखिया होने के नाते मैं भी भरोसा दिलाता हूं कि किसी को मायूस नहीं किया जाएगा। जरूरी है कि हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें। हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 6/6/24 को उपाध्यक्ष महोदय से वार्ता के लिए हम लोगों ने समस्त कर्मचारियों को एकत्र किया था और एक आम सभा में एक सहमति बनी थी कि जो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं उनकी न्यूनतम वेतन मान का लाभ उनको दिलाया जाए, दूसरे माली जो हैं उनकी वेतन की बढ़ोतरी की जाए, तीसरे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या अन्य संवर्ग के लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी वेतन की बढ़ोतरी की जाए। इसके संबंध में आज हम लोगों ने उपाध्यक्ष महोदय से वार्ता की है और वार्ता के दौरान परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय का सकारात्मक रुख को देखते हुए कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं और तथा कर्मचारी उपाध्यक्ष महोदय की घोर घोर प्रशंसा कर रहे हैं और ये जानते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में यदि उनको कुछ मिल जाएगा तो काफ़ी उपाध्यक्ष महोदय को काफी दिनों तक प्राधिकरण में याद किया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।